नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद बढ़ाई गई कन्हैया और उमर खालिद की सुरक्षा। चिट्ठी में दोनों का सर कलम करने वालों के लिए इनाम का ऐलान। देशद्रोह मामले में आरोपी है कन्हैया कुमार और उमर खालिद। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे चरण की शुरुआत पहले दिन चल रही है। ऑड नंबर की गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियों, महिलाओं और स्कूल यूनिफॉर्म वाले छात्रों को स्कीम से छूट। आज दिल्ली लाया जाएगा शहीद मेजर अमित देसवाल का पार्थिव शरीर। हरियाणा के झज्जर में दी जाएगी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। शंकराचार्य ने फिर दिया साईं बाबा पर विवादित बयान। असुरों से की साईं बाबा की तुलना। कहा, जिस तरह असुर कृष्ण को मारने के लिए बछड़ा बनकर आए थे, वैसे ही लोग साईं की मूर्ति मंदिर में ला रहे हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, एक साल के लिए तंबाकू के सभी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। गुरुवार को जारी की गई अधिसूचना। ये तो थी अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।